हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज हमारी गुडविल की है वीडियो नंबर 5। आज इस लास्ट पार्ट के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स और एरर्स की बातें करेंगे। यदि हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो हम पहले भी सेकंड पार्ट में हम कर चुके हैं। अब हम एक ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट और एरर दोनों की बातें करेंगे। एडजस्टमेंट क्या? जो प्रॉफिट हमें गिवन होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अंदर हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। प्रॉफिट के अंदर, यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी प्राइम एक्टिविटी है, उसके अलावा जितनी भी हमें इनकम होती है, हम उन सभी को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। लाइक आपने अपने असेट्स को बेचा, उस असेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि गेन हुआ। सो सेल जब करेंगे हम किसी असेट्स को और उस पे जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। आपने अपने बिजनेस के अलावा कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो भी आपके लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आपको रिसीव होता है, वो सब भी आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस। आपने अपनी एसेट्स को बेचा, उस पर प्रॉफिट हुआ, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने अपनी एसेट्स को जब बेचा तो अभी की बार लॉस हुआ, तो उस लॉस को हम ट्रीट करेंगे एज एन एबनॉर्मल लॉस। इसको एबनॉर्मल लॉस इसलिए बोला जाता है, ये वो लॉसेज हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। ये वो सब लॉसेज हैं, वो सब एक्सपेंस आप बोल सकते हो, जो अभी हमें रेगुलर बेसिस पे फ्यूचर में बार बार नहीं होने वाले हैं। स्टॉक जो था आपके पास, उसमें आग लगी, वो बेकार हो गया, ठीक है, चोरी होती है या आग के कारण, फायर के कारण वो खराब हो गया, तो वो भी आपका लॉस हो गया। कोई भी एम्प्लॉय यदि हमसे कंपनसेट मांगता है, जब हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते हैं, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो हमारे बिजनेस को कंपनसेट करना पड़ता है। तो बेटा वो जो कंपनसेशन है वो भी हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं देना पड़ता, चाहे वो हम पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हो, चाहे किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो कंपनसेशन जो होता है वो भी हर बार नहीं होता, इसलिए उसको भी एबनॉर्मल लॉस के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग एरर्स की बात करेंगे। देखिए ये जो दो थी, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड में नजर आया, तो एबनॉर्मल लॉस आपको कहां पे नजर आया? पीएनएल के डेबिट साइड। अब इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, मतलब इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्रेडिट वाले को जो प्लस था माइनस कर दीजिए, और जो माइनस था यानी कि डेबिट साइड था उसको वापस ले जाइए क्रेडिट साइड, यानी कि प्लस कर दीजिए। यानी कि जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, उस नेट प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाएगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा। ये दो एडजस्टमेंट पार्ट नंबर 1 में भी हम सीख चुके हैं। हम बात करते हैं एरर्स की, कि एरर क्या हो सकता है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक में गलती कर दी। गलतियां कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में हम इन चीजों की बात करेंगे, कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमने गलती से ज्यादा या कम लिख दिया, या तो ओवर वैल्यूड कर दिया या फिर अंडर वैल्यूड कर दिया। जब भी आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को या ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से किसी में भी यदि आप गलती करते हैं, तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट गड़बड़ हो जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के कारण आपका नेट प्रॉफिट भी गड़बड़ होता है, और नेट प्रॉफिट के कारण आपका एवरेज जो प्रॉफिट निकलने वाला वो भी गड़बड़ हो जाता है। यानी कि जब हम अपनी गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, उससे पहले हम अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर लें, हम केवल उस प्रॉफिट पे पहुंचे जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी से, जिस बिजनेस की आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, उस बिजनेस एक्टिविटी से जो भी हमें प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है, हमें रेक्टिफाई क्या करना है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, या क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, इसको रेक्टिफाई करना है। दूसरे किस चीज को रेक्टिफाई करना है, यदि आपने किसी एसेट्स को खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, बट इन दोनों की वजह से भी आपका नेट प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, तो इनको भी पहले आप रेक्टिफाई करेंगे। यानी कि कैपिटल को रेवेन्यू माना तो वापस कैपिटल मानो। जब आप कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं
उसकी वजह से गलती से आपका प्रॉफिट नीचे आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। भाई ये पीएनएल के डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिया, अब वहां से आप हटा दीजिए, यानी कि प्रॉफिट वापस ऊपर आ जाएगा। यदि आपने रेवेन्यू को कैपिटल माना हुआ है, ये पीएनएल के डेबिट साइड में आना था लेकिन आपने नहीं लिखा, आप लिख दीजिए, जिसके कारण आपका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इन सभी को एक फॉर्मेट से हम समझते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे। देखिएगा बेटा, ये जो हम कर रहे हैं ये एक एडजस्टमेंट टेबल है जिससे हम एक एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैं यहां पे 3 ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर रहा हूं। एक मैंने बोला यहां पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2010, 2011 और 2012। एक और ले लें क्या, 2013 भी ले लो। चलिए अब ढंग से समझिएगा, आपको सभी का नेट प्रॉफिट गिवन है, आपको 4 ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है। अब मैंने बोला किसी भी ईयर में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो आपने बोला इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को, जिस भी ईयर में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है उसी ईयर से ये माइनस किया जाएगा। बड़े यहां पे मैं माइनस सब में कर रहा हूं, लेकिन आपको केवल उसी में करना है। अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट 2010 का है तो आप 10 से माइनस करेंगे, ये 11 का है तो 11 से माइनस करेंगे, 12 का है तो 12 से माइनस करेंगे, 13 का है तो 13 से माइनस करेंगे। जिस भी ईयर का ये प्रॉफिट है उसी ईयर में से माइनस किया जाएगा। यानी कि यदि मैं आपको बोलूं कि असेट्स को बेचा या इंटरेस्ट मिला या क्लेम मिला, तो बेटा वो किस ईयर में मिला है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसी ईयर में आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉसेस, बेटे जो एबनॉर्मल लॉस है ना जिस ईयर का है, जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट जिस ईयर का था उसी में एडजस्ट करना है, उसी तरीके से आप इसको प्लस कर देंगे। जो ब्रैकेट में है वो माइनस है, जो ब्रैकेट से बाहर है मतलब बिना ब्रैकेट के लिख रहा हूं मैं फिगर, वो प्लस के फिगर्स हैं, राइट। चलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, एडजस्टमेंट खत्म। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, इसके कारण आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं सीधी बात करता हूं ना प्रॉफिट की, आपने क्या किया, यदि ओवर वैल्यूड कर दिया यानी कि गलती से ज्यादा दिखा दिया, तो आपका प्रॉफिट गलती से इंक्रीज हो गया, तो बेटा हमें तो वापस से रेक्टिफाई करना है, इसीलिए आप बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। बेटे जिस ईयर का है ना, जिस भी ईयर का है उसी में से आप इसको माइनस कर दीजिए। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो इसके साथ साथ आपका ओपनिंग स्टॉक भी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी गड़बड़ हो जाता है, तो अब आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे। बड़े क्वेश्चन में आपको केवल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया था, लेकिन ऑब्वियस बात है क्लोजिंग स्टॉक अगर इस ईयर का ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड होगा। तो इसका जब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ट्रीटमेंट भी अपोजिट होगा और उनका इफेक्ट भी अपोजिट होगा। मैंने बोला इसकी वजह से गलती से प्रॉफिट ऊपर गया, इसीलिए मैं माइनस कर रहा हूं। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नीचे आएगा नेक्स्ट ईयर का, इसलिए मैं प्लस करूंगा। प्लस वाले आइटम ऐसे ही लिख देते हैं। चलो यदि क्लोजिंग स्टॉक 2010 का है ओवर वैल्यूड, वो आपने माइनस किया, तो ओपनिंग 11 का प्लस करेंगे। यदि आपका 11 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, इस तरीके से क्रॉस में होगा। चलिए अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यदि मैंने आपको यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बोला ओवर वैल्यूड, अब नेक्स्ट बताने वाली बात ही नहीं, आप बिल्कुल अब आपके माइंड में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि सर अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल इसका अपोजिट होने वाला है। क्लोजिंग का और ओपनिंग का दोनों का हम रिवर्स कर देंगे,
क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, तो अनुलेस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आप इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट है, तो ओपनिंग का भी अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना बेटा। तो वो माइनस हुआ था ना, तो प्लस हुआ, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये लीजिए बेटा, यहां से आपको फाइनल क्या मिलने वाला है, एडजस्टेड प्रॉफिट। बिल्कुल मुझे याद है, वो लास्ट वाली चीजें छूटी हुई हैं, छूटी नहीं है, छोड़ दी गई हैं। ये आपको मिला एडजस्टेड प्रॉफिट, ये दोनों अभी छूटी नहीं है एरर्स, अभी इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। यहां पे हमने इन दोनों एडजस्टमेंट की बात करी और ये दो एरर समझ लिए। बस आपको ये समझना है कि जो गलती हो रही है उस गलती के कारण यदि आपका प्रॉफिट ऊपर गया है, गलती से ऊपर गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए माइनस कर दीजिए। यदि गलती से आपने नीचे कर दिया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्लस कर दीजिए, खत्म कहानी, राइट। अब इसके बाद हम समझने वाले क्या हैं, देखिएगा बेटा। अब हमें समझना है ये दो एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं वापस से। अब ये नहीं लिखूंगा जो भी कुछ किया, केवल मैं बात करूंगा कैपिटल। पहले मैं आपको ये डिस्कस करता हूं यहां पे बेटे, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, व्हेन वी ट्रीट कैपिटल एज एन रेवेन्यू, इसका हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। रीजन, ये बैलेंस शीट का आइटम था लेकिन आपने गलती से मैं खर्चा बता दिया, आपने गलती से इसको अपना खर्चा बता दिया, तो भैया खर्चा है तो प्रॉफिट तो कम होगा, ठीक है ना। और यदि रेवेन्यू को कैपिटल बता दिया तो आपने अपना प्रॉफिट गलती से इंक्रीज कर दिया। अब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्यूशन आ गया कि सर इसकी वजह से गलती से प्रॉफिट नीचे आया तो इसको वापस से प्लस कर देंगे, इसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर गया तो इसको माइनस कर देंगे। लेकिन बेटा इसमें यहीं पे गेम खत्म नहीं होता है, यहीं पे गेम खत्म नहीं होता है, आगे समझना है। देखिए वापस से फोर ईयर ले लेते हैं, टू थाउजेंड टेन, टू थाउजेंड इलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन। अगेन आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, अभी मैंने आपको बोला, यहां पे समझते हैं पहले, ये दोबारा से मैंने बोला जी आपने कैपिटल को रेवेन्यू बताया है, गलती से कैपिटल को रेवेन्यू बता दिया, प्रॉफिट कम हुआ ना, सही करो इसको। तो आपने बोला ठीक है सर, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसीलिए इसको हम प्लस कर देंगे, जिस भी ईयर का होगा, सब में नहीं, जिस ईयर का होगा। दूसरी बात, अब जब मैं इसको कैपिटल पहले माना ही नहीं, यानी कि इसको मैंने अपनी असेट्स माना ही नहीं था, मैं भूल गया था कि ये मेरी असेट्स है, अब मैंने इसको अपनी असेट्स बना दिया, इसको मैंने अपनी असेट्स बना दिया, तो बेटे जब मैंने इसको अपनी असेट्स बनाया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन, जिस ईयर में हमने परचेज की है उसका डेप्रिसिएशन और उसके आने वाले ईयर्स में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ये याद रखिएगा। देखिए बेटा दोबारा से मैं आपको वही चीज बताऊंगा, ये चीज आपने समझ ली, अब सिंपल है ना, जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। वापस आ रहे हैं, हमने बोला रेवेन्यू को कैपिटल माना, तो आपने बोला सर ये तो बिल्कुल अपोजिट है, याद करने वाली बात ही नहीं है, रिवर्स कर देंगे हम। यदि रेवेन्यू को कैपिटल माना है तो उसमें तो फालतू का डेब भी लग गया, भाई मेरी ये मशीन, मैंने कोई असेट्स नहीं खरीदी लेकिन गलती से मैंने बोल दिया कि ये मेरी असेट्स है तो मैंने उस पर डेब भी लगा दिया, तो अब बोले डेब तो लगना ही नहीं चाहिए था, तो वापस से आप उसको प्लस कर दीजिए। यहां से आपको मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट।
देखिए बेटा मैं बार बार एक ही चीज हर बार बोलता हूं, अकाउंट्स समझने का गेम है, रटने का गेम नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस करने से पहले आपका फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटेंसी ही है, सबसे इजी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से क्लियर करने हैं, अकाउंट में ऑलमोस्ट डबल एंट्री सिस्टम है बेटा, तो हमेशा किसी भी एडजस्टमेंट को करते समय ये देखिए जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो अगर दूसरी एडजस्टमेंट उसके अपोजिट है तो उसका इफेक्ट भी अपोजिट ही होगा, उसके एडजस्टमेंट्स भी अपोजिट ही होंगी। बस एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो आइए चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए इस एग्जांपल से इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। यहां पे नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 4 ईयर के, राइट। उसके बाद सबसे पहले क्या बोला, देखिए जो एडजस्टमेंट थी ना प्रॉफिट और लॉस वाली वो बड़ी इजी है, एरर समझने आपने। कहता कि सितंबर में आपने मेजर खर्चा किया प्लांट को रिपेयर कराने का, तो बड़े जब क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेजर तो इसका मतलब है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर जो है वो यानी कि आपने अपने असेट्स को इंप्रूव किया तो असेट्स की वैल्यू हो गई। गलती से आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है ना, अभी केस किया था ना हमने, केस नंबर वन मैंने बोला कैपिटल को रेवेन्यू माना, यानी कि इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। मैंने बोला इसको हटा दीजिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल है। तो आपने बोला जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको वापस से प्लस करते हैं। तो ये बेटा कौन से ईयर का है, सेप्टेंबर 12 और हमारी जो क्लोजिंग है वो दिसंबर की है, तो यानी कि ये इसका पार्ट है, यहां पे कहीं पे भी नहीं आएगा ये यहां पे, राइट। मैंने बोला कि जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माना तो इसको प्रॉफिट में आई मीन पीएनएल में से हटा दीजिए, जिसके कारण आपका प्रॉफिट वापस से इंक्रीज होगा 6,000 रुपीज से। अब बड़ी यहां पे जब आपने इसको डेप्रिसिएशन भी है इसके ऊपर WDV मेथड से, जब अब आपने बोला यार ये तो गलती हो गई इसको रेक्टिफाई करते हैं, अब आपने बोला कि ये अब से हमारी असेट्स है, लेकिन ये असेट्स कब से कहलाएगी, जब से आपने इसको खरीदा और इस असेट्स को आपने 2012 की एंडिंग तक सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ आपने इसको यूज किया, तो बड़े 6,000 का 10% 200 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब आप गए तो आपकी 6,000 की वैल्यू 200 का डेप माइनस होने के बाद 5,800 बची हुई है और डेप्रिसिएशन भी WDV से ही है, तो 5,800 का 10% 580, पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाइए, फर्स्ट केस क्लोजिंग स्टॉक वाला मैंने बोला था ओवर वैल्यूड है, तो जिस ईयर का ये ओवर वैल्यूड है माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने से 2400 से 2017 क्यों ली दिया मैं यहां पे एक सेकंड रुकिए मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं इसको, ये 2011 है, 2011 का यानी कि यहां पे इसको माइनस किया जाना चाहिए। और बेटे ये 2012 का ओपनिंग बना, यानी कि ओपनिंग में भी गलती रिवर्स कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 2400 रुपए, राइट। मैं इसको रब करता हूं, लास्ट एडजस्टमेंट के लिए स्पेस बनाते हैं यहां पे। बेटे लास्ट में लिखा हुआ है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो हर साल 4800 रुपीज है, 4800 रुपीज पर एनम, तो आप यहां लिखेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट 4800 रुपीज पर एनम है, तो इसलिए आपने बोला ये कॉस्ट हर बार के प्रॉफिट में से माइनस होनी चाहिए। अब इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद
कैलकुलेट करने के बाद आप यहां लिखने वाले हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले आ रहा है 15,400, दूसरा आना चाहिए आपका 17,600, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, 23,400, देन 24,620, ये हमने फाइंड किया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसके बाद यदि आपको इसका एवरेज निकालना है तो बेटा एवरेज प्रॉफिट के लिए सबको प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, यहां से आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद जितने ईयर परचेज है आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो उसके लिए इसको यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड है तो आप उसके लिए इसको यूज करेंगे। तो बेटा ये छोटा सा एग्जांपल था, ऑलमोस्ट एरर्स की हमने बात करी है, इसी में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता तो उसको नॉर्मली प्लस और माइनस किया जाना है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन यहां पे करवा दिए, एडजस्टमेंट मतलब एरर, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो एक क्वेश्चन कर लीजिए इनफ है आपके लिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हमारी गुडविल का जो चैप्टर है वो पूरा डन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम लोग जल्दी आएंगे, और आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट में लिखिए, सॉरी कमेंट्स में लिखिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कहीं पे वीडियो में लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा।